जी, मदर सामा जी, लास्ट इसके पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग नामक लेसन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए थे। बातें पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। बात सिर्फ इतनी करना है कि उस चैप्टर को जो लिखाया पढ़ाया गया है उसे तैयार कर लीजिए। आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स तैयार कर लीजिएगा, एक बात। दूसरी बातें, अब वो चैप्टर समाप्त हो चुका है, अब कोई दूसरा चैप्टर, नया चैप्टर आप लोगों को पढ़ाना है, बस नहीं। अब आप लोगों को कोई दूसरा नया चैप्टर पढ़ाने का है। नए चैप्टर की अगर बात करें ना, देखिए जैसे एक चैप्टर हम लोग को किसका हो गया, फर्स्ट एनसीईआरटी का हो गया है। अब एक चैप्टर पढ़ा देते किसका, सेकेंड एनसीईआरटी। एक चैप्टर किसका पढ़ाते हैं, सेकेंड एनसीईआरटी का। सेकेंड एनसीईआरटी की फर्स्ट यूनिट पढ़ाना शुरू करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, बस समझो। फर्स्ट एनसीईआरटी की नहीं, सेकेंड एनसीईआरटी की फर्स्ट यूनिट रिडॉक्स रिएक्शन नामक अध्याय के बारे में हम लोग जानकारी लेना शुरू करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बातें जो हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो ये है कि आपको करना क्या होगा। आवर्त 30 तक के तत्व के नाम, अगर ये नहीं भी याद करते हो तो भी कोई बात नहीं। आवर्त सारणी, सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं, आपको क्या याद रखना पड़ेगा, आवर्त सारणी याद रखना पड़ेगा। अगर इस चैप्टर को पढ़ना है, सीखना है, तो आपको कौन सी जानकारी रखना होगा, आवर्त सारणी वाली। आवर्त सारणी की अगर बात किया जाए तो उसमें कौन किस ग्रुप का एलिमेंट है वो पूरी कंप्लीट जानकारी आपको चाहिए, कौन किस ग्रुप का एलिमेंट है, क्योंकि नहीं तो आप सीख नहीं पाओगे। इसमें एक जो मेजर टॉपिक होता है ऑक्सीडेशन नंबर का, वो बातें आप सीख नहीं पाओगे, नहीं पढ़ोगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि मुझे ऑक्सीकरण संख्या निकालना आ जाए, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना होगा। कुछ ना कुछ करने के नाम पे आपको क्या करना होगा, आवर्त सारणी को पढ़ना होगा। उसके लिए आपको आवर्त सारणी को पढ़ना होगा, जान रहे हो। आवर्त सारणी पढ़ना, और बहुत अगर नाम सूत्र संयोजकता पढ़ाए थे कभी आपको, 9th 10th का टॉपिक है पढ़ लेना। जैसे कार्बोनेट तो CO3-2 होता है, सल्फेट SO4-2 होता है, फॉस्फेट PO4-3 होता है, साइनाइड CN- हो जाएगा, आइसोसाइनाइड NC- हो जाएगा, फेरस Fe+2 हो जाएगा, फेरिक Fe+3 हो जाएगा, बाइकार्बोनेट HCO3- हो जाएगा। इसके अलावा मर्क्यूरस Hg+ हो जाएगा, मर्क्यूरिक Hg+2 हो जाएगा, क्यूप्रस Cu+ हो जाएगा, क्यूप्रिक Cu+2 हो जाएगा। और भी बातें जैसे सल्फेट हमने आपको बताया SO4-2 होगा, सल्फाइड SO3-2 हो जाएगा, सल्फाइड S-2 हो जाएगा। इसके अलावा भी बातें जैसे आएगी नाइट्राइड NO2- हो जाएगा, नाइट्रेट NO3- हो जाएगा, नाइट्राइड N-3 हो जाएगा। ये बातें आपको ध्यान में याद रखना होगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं, नहीं तो आपको ऑक्सीकरण संख्या समझ नहीं आएगी। ऑक्सीकरण संख्या निकालना और समझना आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि इसे पढ़ते हैं क्लास 11th में, एक चैप्टर में यूज होता है। फिर जब आप क्लास 12th में जाओगे, वहाँ एक चैप्टर होता है उप सहसंयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर की एक बार फिर उपयोगिता होती है। वहाँ पर IUPAC नाम लिखना होता है, जो 11th से बिल्कुल अलग होता है। तो अगर आपने ऑक्सीकरण संख्या नहीं सीखा तो बोर्ड एग्जाम में आपने 2 नंबर खो दिया, आप ही जान लीजिए। यदि आपने ऑक्सीडेशन नंबर को नहीं सीखा तो आप ये समझें कि हमें बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर मिल जाएगा, दिस इज इम्पॉसिबल, वो मिलेगा नहीं, आप ही जान लीजिए। इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों के लिए, जिसे जानकारी रखना अति आवश्यक होता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कैसे, ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए वही फिर बातें हैं, आपको क्या करना होगा, आवर्त सारणी याद रखना होगा, मुख्य सबसे ज़रूरी बातें। एक दो एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ कि अगर याद नहीं करते हैं तो कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे ये देखिए, अगर हम कौन सा एग्जांपल लेते हैं, H2SO4 का लेते हैं, आपसे कहते हैं S की ऑक्सीकरण संख्या बता दीजिए। तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्या है, H पहले वर्ग का है, आप पता होगा तभी तो जानोगे,
पहले वर्ग का इसलिए एक लेंगे, यहाँ दो लगा है इसलिए दो से गुणा करेंगे, प्लस इसके निकालना है तो क्या करेंगे एक्स ले लेंगे, प्लस ऑक्सीजन की अगर बात किया जाए यहाँ कितना लगा है चार लगा है तो चार लिख देंगे गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या आपको लिखा दी जाएगी माइनस दो होती है बराबर। इसके ऊपर देखिए ना ही धनावेश है ना ही ऋणावेश है तो बराबर जीरो लिखोगे तो ये देखिए टू प्लस एक्स माइनस एड बराबर जीरो हो जाएगा। ऐसा करके तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस सिक्स। या आपसे अगर कहा जाए कि इसके बारे में ले लेते हैं जैसे Na2SO4 ले लेते हैं, Na2SO3 जैसे ले लेते हैं। अब हमें पता होगा Na किस ग्रुप का है तभी तो आप लिखोगे, वहाँ 2 लिखोगे 3 लिखोगे। या अगर मान के चलिए क्या ले लिया जाता है Al2SO4 का होल 3, हमें पता है एल्यूमिनियम तीसरे वर्ग का तभी तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। अगर आपको नहीं पता ये तीसरे वर्ग का कैसे 3 लिखोगे, ये सब एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं ना। तो इसीलिए अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो अब आपको समझ नहीं आएगा, अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आपको पीरियडिक टेबल समझ नहीं आएगी। क्लास 11th सेकेंड एनसीईआरटी फर्स्ट यूनिट रेडॉक्स रिएक्शन अध्याय का नाम लिख दो, क्लास 11th के लिए सेकेंड चैप्टर फर्स्ट यूनिट सेकेंड एनसीईआरटी की फर्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन है उसी के बारे में जानकारी लेना है। तो बातें समझिए, आज तो मैं स्टार्ट करने वाला नहीं, तो आज जानते हैं सिर्फ इतनी बातें आपको मैं बताने आया था कि आप आवर्त सारणी को तैयार रखे रहिएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी आपके लिए, और उसे तैयार रखिए। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मिलते हैं, चैप्टर शुरुआत करते हैं, वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आपको सिखाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यदि उसे आपने नहीं पढ़ा, क्लास 12th के दो नंबर आपको मिलने के नहीं हैं, क्लास 12th में कोई पढ़ाता नहीं, आप ये बात जान लीजिए। आज ही भी इस बात सिर्फ इतने से मैसेज के द्वारा अपनी बातों की समाप्ति करते हैं, बाकी मिलते हैं चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।